नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां कई स्कूल और कॉलेज ने संस्थान में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिभावक अपने बच्चों को हिजाब में ही स्कूल भेज रहे हैं, जिसके चलते अभिभावकों और शिक्षकों के बीच कहासुनी देखने को मिल रही है। कर्नाटक के मांड्या शहर में रोटरी स्कूल में भी इसी तरह का विवाद सामने आया है। यहाँ जब छात्र हिजाब पहनकर स्कूल पहुँचे तो शिक्षिका ने छात्राओं को स्कूल के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद छात्राओं के अभिभावक और शिक्षिका में बहस होने लगी, जिसको लेकर शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बहस को लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभिभावक कह रहे थे कि छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल के भीतर जाने दिया जाए और उसके बाद स्कूल के भीतर छात्रा अपने हिजाब उतार देगी, जबकि शिक्षिका का कहना है कि छात्रा को हिजाब स्कूल से बाहर उतार कर ही अंदर आने की अनुमति मिलेगी। अभिभावक स्कूल प्रशासन से अपील कर रहे हैं छात्राओं को हिजाब में स्कूल के भीतर जाने दिया जाए, अंदर जाकर वो इसे उतार देंगे, लेकिन स्कूल इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।